कपिल पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष व भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुमित पाटिल जी ने वेणुभाई पाटिल अपार्टमेंट के स्थानीय जनताओं को दिया वचन शब्द पूरा करके दिखाए हैं। आपको बता दें कि मार्कंडेय नगर के परिसर के पीछे वेणुभाई पाटिल अपार्टमेंट बिल्डिंग में सटा एक गटर का बड़ा नाला है। उस गटर पर स्लैब चैम्बर नहीं होने से स्थानीय जनताओं को बदबू व मच्छरों से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह क्षेत्र वार्ड नंबर 16 में आता है। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व वार्ड नंबर 17 के नगर सेवक सुमित पाटिल जी ने अपना पराया ना देखते हुए वार्ड नंबर 16 में रहने वाले जनताओं को दुख व तकलीफ दूर कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी बात है। सुमित पटेल जी का कार्य को महिलाएं पुरुष बहुत खुश है, उनको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। कपिल पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष व भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुमित पाटिल जी ने वेणुभाई पाटिल अपार्टमेंट में स्थानीय जनताओं को दिया वचन पूरा करके विकास कार्य की आज भूमि पूजन किए हैं। स्थानीय जनताओं से नारियल तोड़वाकर प्रारंभ करवाए। आज जो विकास कार्य का शुभारंभ हो रहा है वेणुभाई पाटिल अपार्टमेंट में, श्रीनिवास वेंगल ने इस समस्या का पाठ पुरावा पत्र व्यवहार सुमित पाटिल को दिया तो सुमित पाटिल ने भिवंडी मनपा के दृष्टि पर ले जाकर यह काम करवा रहे। समाज सेवक वेंगल श्रीनिवास ने भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुमित पाटिल को धन्यवाद किए है। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मंडल के अध्यक्ष वासम राजेंद्र व आदि लोग उपस्थित थे। परेशान थे और बहुत इंतजार किए, लेकिन ऐसा कोई आप मिल गए आप जैसे कि हम लोग को दिल खुश कर दिए। हो गया खुश? हाँ, बहुत खुश हो गया है। बहुत परेशान थे। धन्यवाद आप इनको सब जन धन्यवाद बोलो। अरे अम्मा आशीर्वाद है ना तुम्हारा। आशीर्वाद है, बस हो गया, चलो टेंशन। आज यहाँ पे वेणुभाई पाटिल अपार्टमेंट और ये रंगोली स्पर्धा परिसर में आज यहाँ पे बहुत सालों से इनकी मांग थी। गए इलेक्शन में ये मेरा वार्ड नहीं आता है, लेकिन ये लोकसभा के हिसाब से माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब का वार्ड आता है। इसके लिए मैं ये आज यहाँ पे, ये लोगों ने बहुत दिनों से ये मांग थी कि ये गटर के ऊपर स्लैब हो, क्योंकि जो गटर ये बड़ा है और गटर के ऊपर से लोग कचरा डालते थे, लेकिन ये स्लैब डालने की वजह से बाइक पार्किंग यहाँ पे होगी, लोग अच्छे से खुद का बाइक पार्किंग और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो आज इनके बोलने पर, खास करके यहाँ की महिलाएँ जो बार बार इसके उसके ऑफिस में जाके बहुत लोगों को उन्होंने बताया, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। आज मेरे नसीब में एक काम था करने का, तो मैंने किया और मैंने इनको जबान दी थी कि ये काम जल्द से जल्द पूरा करूंगा। उसकी निधि उपलब्धि नहीं थी, आज निधि उपलब्ध करके यहाँ पे एक 5 लाख रुपए का निधि इनको दे के एक काम की शुरुआत, आज इस काम का भूमि पूजन, सभी एरिया के बड़े बुजुर्ग सभी साथ में रह के आज ये काम की शुरुआत हो रही है। करीनगर वेणुभाई अपार्टमेंट जो दादा ने हमको शब्द दिया था, वो शब्द का आज पूरा करने का मौका हमको, ये सब आनंद की यहाँ पे लेयर आप खुद देख सकते हैं। जितने महिला है वो बहुत खुश है और हम लोग का एक मसीहा बनकर सुमित दादा ने यहाँ पर आए हैं, और जो भी अभी तक जितना भी वादा किया है वो पूरा करते हुए आए हैं, और मैं तहे दिल से उनको आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सभी वेणुभाई अपार्टमेंट और माननीय रवि पाटिल जी भी आए नहीं है, उनके तरफ से भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। काम तो दादा करते हैं, नगर सेवक करते हैं, लेकिन उसका साफ सुथरा रखना, उसको मेंटेन करना, जहाँ पे रहवासी रहते हैं उनका जिम्मेदारी रहता है। तो मैं इन सभी के तरफ से मैं बोलता हूँ कि जैसा काम होएगा उसको मेंटेन करने का काम जिम्मेदारी ये पूरा वेणुभाई अपार्टमेंट और हमारा लक्ष्मण दोंतुल जी है उनका भी जिम्मेदारी रहेगा। हम लोग सब लोग मिलके साथ में इसको साफ सुथरा रखेंगे और कुछ अच्छा कर सके, ऐसा हम लोग करके दादा के साथ में हम लोग कदम से कदम चलते रहे। सुमित पाटिल जी हमारा काजदार जी कैसे कार्य सम्राट कहा जाता है, उसी तरह हमारा 16-17 नंबर के हमारा सुमित पाटिल जी कार्य सम्राट बन गया, क्योंकि मार्केट नगर में जितने भी गली गुच्छे परसों मेरे को घुमा दिए थे, हर गली में इतना सुविधा अच्छा बनाया। एक क्षेत्र में भी एक गटर का बहुत दिन से तकलीफ था, लेकिन इधर स्थानीय नगर से नहीं कर पाया, लेकिन सुमित जी अभी 16-17 ना छोड़ गया हमारा भारतीय जनता पार्टी में लोगों को काम आती है। इसके लिए हमारे सुमित जी को हमारा भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल से और उनको धन्यवाद।